पाम और सूरजमुखी जैसे प्रतिद्वंदी तेल सोया तेल पर दबाव बना रहे हैं। मलेशिया की ओर से नवंबर में पाम तेल निर्यात के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। मलेशिया से पाम तेल का निर्यात नवंबर में 2.8% बढ़कर 15,19,560 टन पहुंच गया है। वहीं अक्टूबर में मलेशिया का पाम तेल निर्यात 14,70,713 टन था। दूसरी ओर यूक्रेन के सूरजमुखी तेल उत्पादक बीते दिनों से बिकवाली की जल्दबाजी और हड़बड़ी में लगे हुए हैं। यूक्रेन के विक्रेताओं ने सूरजमुखी खरीद पर छूट की भी ऑफर कर दी है। दरअसल यूक्रेन के उत्पादकों को रूस की कार्रवाई बढ़ने के कारण स्टॉक निकालने की जल्दी है। रूस भी यूक्रेन से प्रतिस्पर्धा में भारत जैसे अपने खरीदारों को सूरजमुखी तेल पर छूट की पेशकश कर रहा है। रूस ने फिलहाल पेराई बढ़ा दी है, जबकि बीते साल का स्टॉक भी इन देशों में बाकी है। ऐसे में इस सप्ताह सूरजमुखी तेल पर $100 प्रति टन तक छूट पहुंच चुकी है। भारत को कच्चा सूरजमुखी तेल $1,300 प्रति टन के दाम पर मिल रहा है, जबकि दिसंबर शिपमेंट के लिए सोयाबीन तेल के लिए $320 खर्च समेत चुकाने पड़ रहे हैं। वहीं दिसंबर में भारत में सूरजमुखी तेल का आयात 2,30,000 टन तक पहुंच सकता है। अक्टूबर में सूरजमुखी आयात 1,44,934 था, जो नवंबर में बढ़कर 1,80,000 टन था। यानी लगातार देश में सूरजमुखी तेल का आयात बढ़ रहा है। ऐसे में सोया तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। सीबोर्ड में भी गिरावट देखने को मिली है। इंदौर में भी सोयाबीन तेल के भाव 25 रुपए तक लुढ़क चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।